किसान भाई, ये हमारे खीरे खेत और इसमें सपोर्ट लगा रहे हम। ये थोड़ी इधर लास्ट में सपोर्ट कम होगी यहाँ से, तो ये लगभग तो लगाई दी इसमें, तो आज इसमें सपोर्ट लगाने को हम थोड़े और डंडे काटेंगे ऊपर झाड़ में, इसमें कम हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी काटते हैं जंगल में थोड़े के लिए सपोर्ट। ये है कुछ अपना खेत है, वो उस तरफ आगे मक्के का खेत है, और ये भी खाली है, इसमें भी जाई नहीं कर रखी कुछ, ये भी खाली है। और ये मशीन है अपनी जिससे खेत जोतते हैं। तो भाई अभी मैंने ये दो पेड़ उतारने नीचे, तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा अंदर आज और ये है पेड़, चलिए उतारते इसको भी नीचे। तो ये देखिए मैंने पेड़ उतार दिए नीचे और यहाँ पे भारा बना दिया। अब इसको ले चलते खेत में, अब इसको लगाएंगे हम नीचे ककड़े के खेत में। ये है आज की मेहनत, ये पेड़ आज काटे और ये अभी उसमें लगेगा नीचे खीरे खेत में, चलते हैं अब लगाते इसको। ये है कुछ खेत अपना और ये कुछ मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये भी लगेगी इसमें, अभी इनको पहना करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें रहे लगाने को, और ये है ढेर, अब इसको लगाएगी इसमें। और ये कुछ टमाटर, ये मेरे तो नहीं है पर गांव वालों के हैं। और उधर आगे ये मक्के का खेत है, ये देखिए, और इस साइड भी मक्के का खेत है, और बीच में ये हमारे खीरे। गरीब जिम्मेदार है हमारा से उतना सस्ता काम। तो अब डंडे काटने के बाद अब बारी है गाय के लिए पत्ते काटने की, उनको भी डाली ले जानी पड़ती है घर को, क्योंकि गाय ज़्यादा ज़रूरी है, दूध वगैरह वही देगी। तो उसके लिए पत्ते काटने चलते हैं पेड़ में। कुछ ये देखिए नज़ारे, ये टमाटर, ये रेड कैबेज और ये मक्के का खेत। ये गांव वालों ने मक्का लगा रखा है यहाँ पे बीच में, और उधर बीन्स। चलिए अब चलते हैं, दाढ़ी छीनते हैं। अब यहाँ पे आगे एक पेड़ है, उसको मैंने कल छोड़ा था, उसको काटूंगा मैं आज। ये है वो पेड़, ये देखिए थोड़ा सा छोड़ रखा मैंने, आज इसको काटूंगा। चलो जी, दाढ़ी भी छीन दी हमने और अब है घर जाने की तैयारी। ये पीछे हमने दाढ़ी का बना दिया बिंदा, और मौसम हो रहा ख़राब, तो अब चलते हैं घर। देखिए मौसम ने बदल लिया रुख, चारों तरफ बादल काले काले, तो अब मेरे को चलना चाहिए घर, काफ़ी देर हो रही। तो अभी हम जा रहे हैं दाढ़ी लेके घर, और गाय को खिलाएंगे आज चारा बढ़िया, उनको भूख लगी होती है रोज़, ले जानी होती है मेरे को दाढ़ी घर। तो ये हम चल पड़े घर दाढ़ी लेके, और भारी भी हो रहा है अभी विंडा मेरे पास, बरखा का मौसम भी हो रहा, आगे रास्ता नहीं दिखाई देता कुछ। तो ये है रास्ता, चलिए चलते हैं घर।